हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर कैसे करते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ये ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट। सो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, व्हेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इज बैलेंस। मतलब क्या बोला गया है, ये रिएक्टेंट में क्या नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम जितने होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए रिएक्टेंट एंड एज वेल एज इन प्रोडक्ट, दोनों के क्या होने चाहिए नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए एलिमेंट के। सो अगर दोनों सेम रहेंगे तो ही क्या होगा, वो बैलेंस बोलेंगे हम, कि वो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अगर वो सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। सो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, दोनों में क्या होने चाहिए, यहाँ पे भी सेम होने चाहिए रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ओ टू गिव्स यू वाटर, दैट इज H2O। यहाँ पे ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये क्या है वाटर, H2 क्या है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होता है। सो एलिमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी लिख लेते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बट यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 है। यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ़ एटम, 2 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 2 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1। सो अभी देखिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ़ एटम क्या होने चाहिए, एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पे हाइड्रोजन इक्वल है, बैलेंस है। बट ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है। तो हम इसको ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अब इसको भी 2 करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 न्यूमेरिक वैल्यू 2 कभी भी नीचे पुट नहीं करेंगे हम। सो ये क्या है, ये रॉन्ग है हमेशा क्या करने का। और हम बीच में भी नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे 2 नहीं कर सकते, 2 ऑक्सीजन नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आगे ही पुट करते हैं, हमेशा फ्रंट में ही पुट करेंगे हम ऐसे। कभी भी हम उसके बीच में या उसके नीचे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, ये क्या हो गया, 2 2 4 हो गया राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पे फोर हो गया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो न्यूमेरिक वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फ्रंट में। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। अभी देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ है। यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन में, यहाँ पे भी 4 है ऑक्सीजन में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गया। इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। सो रिएक्टेंट कौन से साइड में रहता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने हैं, यहाँ पे 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो कितना हो गया, 2 1 3। अभी यहाँ पे देखिए दोनों बैलेंस होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ शुड बी बैलेंस। बट यहाँ पे क्या, अनबैलेंस है। कार्बन देखिए 3 1, हाइड्रोजन देखिए 8 2 2 3। सो ये क्या है, अनबैलेंस है। तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो कार्बन यहाँ पे क्या है, 1 है। तो बैलेंस करने के न्यूमेरिक वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं बैठे एलिमेंट के आगे फ्रंट साइड पे क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 3, यहाँ पे क्या हो गया, 3। कार्बन 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है बट यहाँ पे 2 है। तो क्या करेंगे, 8 करने के लिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है,
तो 4 यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू 4 4 2 8। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हम देख लेते हैं क्योंकि ये बैलेंस हुआ है तो कुछ चेंजेस आए होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहाँ पे 3 2 जा, ये कार्बन के लिए भी 3 जाएगा और ये ऑक्सीजन के लिए भी जाएगा। वैसे ही जब फ्रंट पे कोई वैल्यू पुट होती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट होती है, तो वो दोनों एलिमेंट के लिए जाएगी, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी। तो यहाँ पे वैसे ही है, ये 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 6 4 10। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 10 है नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ पे हमको इक्वल करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 हो जाए, तो यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, 5 2 जा 10। अभी देखिए सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ आइटम देखिए 3 3, हाइड्रोजन में 8 8, ऑक्सीजन में 10 10। वापस आप चेक कर लीजिए एक बार इसको, देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कितना है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितने हैं 5 2 जा 10, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 4, और ये 3 2 जा 6 6 4 10। सो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में क्या नंबर ऑफ आइटम क्या होने चाहिए, एलिमेंट के सेम होने चाहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।